हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के साथ हरियाणा विधानसभा पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में राज्यसभा के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटें खाली थी, उनके नामांकन का आज आखिरी दिन था। हमने अपने उम्मीदवार कृष्णलाल पवार और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार अजय माकन का फॉर्म भरवाया है। अभी तक 2 फॉर्म ही भरे हैं, आज शाम तक और फॉर्म भरे जाते हैं तो 10 तारीख को उस पर वोटिंग होगी। देखिए, जैसा अपने को पता है कि राज्यसभा की 2 सीटें हरियाणा में जो खाली थी, उसका आज नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है। और अभी तक जो जानकारी मिली है कि जानकारी यानी जो चुनाव की व्यवस्था में जो लोग लगे हैं, हमने अपने कैंडिडेट श्री किशन पवार जी का फॉर्म भरवाया है और इसी प्रकार कांग्रेस ने भी अजय माकन उनका एक फॉर्म भरवाया है। अभी तक 2 फॉर्म भरे गए हैं, सायंकाल तक क्या और व्यवस्था बनती है उस हिसाब से पता लगेगा। अगर केवल 2 ही रह जाते हैं तब तो आगे चुनाव की कोई परिस्थिति नहीं होगी और ये एक प्रकार का चुनाव फाइनल माना जाएगा। लेकिन अगर कहीं 2 के बाद तीसरा चौथा कोई फार्म भरा जाता है तो निश्चित रूप से 10 तारीख को वोटिंग का दिन है, 10 तारीख को वोटिंग होगी। देखिए, ये एक सबका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है और उस लोकतांत्रिक अधिकार में फार्म भरना सबका काम है। जो भरेंगे तो उसके बाद पता लगेगा। मैंने बताया कि अगर 2 ही रह जाते हैं तो वोटिंग नहीं होगी, 2 के बाद अगर तीसरा कोई खड़ा होता है, चौथा खड़ा होता है तो निश्चित रूप से वोटिंग होगी। आगे विजय है, नामांकन के बाद विजय सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के पास उससे अधिक वोट हैं जितने कृष्णलाल पवार जी को चाहिए, तो विजय सुनिश्चित है और आज सबने मिलकर उनका फार्म जो है अभी जमा कराया। निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में आ रहे हैं, फिर चुनाव की भी नौबत आएगी, निर्दलीय को समर्थन करेंगे, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, एक बार आने दो मैदान में, अभी तो कोई फार्म आया नहीं है। जब फार्म आएगा, कोई अप्रोच करेगा तो फिर उस विषय पर विचार करेंगे। विधानसभा में हम साथ हैं लेकिन निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अलग जाने का निर्णय किया है, जो कि पिछली बार हम साथ गए थे तो कई स्थानों पर काफ़ी कठिनाइयां आई थी। तो इस बार बीजेपी ने निर्णय किया कि वो अपने सिंबल पर सभी नगर परिषदों में चुनाव लड़ेगी। नगर पालिका और जो वार्ड हैं उसको हमने जिलों पर छोड़ा है। कल हमारी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है दिन भर। तो आपको बता दें कि राज्यसभा के उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन भरा और आपको बता दें कि कृष्णलाल पवार ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है और इस दौरान सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे और राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर कृष्णलाल पवार ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है।